आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब हम जेब लगाएंगे। सबसे पहले जेब के ऊपर की सिलाई लगेगी। दोस्तों यदि नॉर्मली शर्ट हो 34 से 37 सीने तक तो हम 8.5 इंच नीचे जेब रखते हैं, और उससे यदि ज़्यादा शरीर में हैवी हो तो हम 9 इंच नीचे जेब रखते हैं। तो ये शरीर में हैवी है तो मैं इसको 9 इंच नीचे की ओर जेब लगा लेता हूँ, बराबर घर बना के 9 इंच नीचे जेब। जेब हो गया फाइनल। अब हम दोनों पार्ट को आगे वाले और पीछे वाले पार्ट को जोड़ेंगे। नीचे रखा फर्स्ट पार्ट, ऊपर रखा, और दोनों किनारे को शोल्डर और आगे वाले पार्ट को हमने जोड़ दिया। दोस्तों अब हम दोनों शोल्डर को जोड़ देते हैं। दोस्तों ये ऐसे जोड़ता है, ये हमने आगे से दोनों पार्ट को जोड़ दिया। अब इस कपड़े को हम ऐसे, ये है, इनको पीछे साइड वाले किनारे से अंदर लेंगे और इनको हम फोल्ड करेंगे, और जो पहले सिलाई मार दिया उसी के ऊपर बाहर की ओर सिलाई मारते हुए इसको हम अंदर अटैच कर लेंगे। ये दोस्तों अटैच हो गए। अब हम इनको ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। ये ऐसे खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक उलट जाएगा। ये हो गया उलट। अब इसके ऊपर आप यदि सिलाई लगाना चाहते हो तो सिलाई लगा सकते हो, और बिना सिलाई वाला बनाना चाहते हो तो ये बिना सिलाई का कमीज बनेगा, तो उसमें इसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी। और ऊपर सिलाई वाला कमीज बनाना चाहते हो तो आप सिलाई लगा सकते हो। तो दोस्तों मेरे को बिना सिलाई का कमीज बनाना, तो मैं सिलाई नहीं लगाऊंगा। अब जो ये एक्स्ट्रा पीछे वाला पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हम तिरछे हिसाब से शोल्डर के बाद में हल्का तिरछा लेते हुए मुड्ढे के हिसाब से हम इसको उतार लेंगे, काट लेंगे। जिस हिसाब से मुड्ढे की छंटाई होगी उसी हिसाब से शोल्डर से नजदीक से हल्का तिरछा लेते हुए हम इसको काट लेंगे। दोस्तों ये दोनों पार्ट जुड़ चुके। अब हम बाजू बनाएंगे। दोस्तों बाजू बनाने के लिए हम डंडी लगाते हैं। बाजू दोनों आमने सामने, ये बाजू कटिंग हो गए। एक तिरछे पार्ट में हमने छोटे कटिंग डंडी काट रखी है, बड़े पार्ट की साइड में यह हम कपड़ा डंडी का लगाएंगे। और सामने वाले पार्ट में कोट लगेगी।
दोस्तों दूसरा भी इसी हिसाब से इसके सामने बनेगा। दोस्तों डंडी लगाते समय ध्यान रखना दोनों आमने सामने बनाना, यदि आमने सामने नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों एक ही साइड की बन सकती है, इसलिए एक साइड से बनाने से बचने के लिए आपको दोनों को आमने सामने ही बनाना है। अब दोस्तों कपड़े को थोड़ा जहाँ तक डंडी वहाँ तक काट लिया, काटने के बाद में अब इसको कटिंग को ऊपर ले लिया कपड़े को और बराबर में फोल्ड कर दिया। बराबर में फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इस डंडी को कपड़े को भी हम बराबर फोल्ड करेंगे ऊपर से और बराबर साइज की हम डंडी बनाएंगे ताकि सिलाई भी बराबर परफेक्ट कॉर्नर के हिसाब से लगाएंगे। दोस्तों इस हिसाब से दोनों डंडी बना लेंगे हम। दोस्तों दोनों डंडी बनाने के बाद में बाजू को हम फोल्ड करेंगे। बाजू को फोल्ड करते हुए अब हम मुड्डे को बाजू से मिलाएंगे। मुड्डा और बाजू दोनों बराबर होनी चाहिए, यदि कम ज्यादा हो गई तो यदि हमने मुड्डा चढ़ाना देख शुरू कर लिया तो बाद में दिक्कत हो सकती है, तो इसको हम पहले नाप कर देख चेक करेंगे। तो दोस्तों ये बाजू और मुड्डा लगभग बराबर परफेक्ट बराबर आ रहा है, तो हम इसी हिसाब से इसको यदि कम ज़्यादा हो तो पहले देखने के बाद में ही बनाएंगे। तो दोस्तों ये परफेक्ट है और मैं अभी बाजू लगा रहा हूँ। दोस्तों पहले बाजू आगे वाली साइड से जहाँ जेब लगी हुई है उसी साइड से हम पहली बाजू लगाएंगे, दूसरी बाजू पीछे से लगेगी। पहली बाजू लगाने के बाद में लगाते समय सबसे पहले ध्यान रखना है थर्ड पार्ट जो जेब लगती है उसी पार्ट से हम पहली बाजू लगाएंगे, जो पहले बड़ा गड्ढा होता है वो वहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों एक सिलाई लगाने के बाद में अब हम जब ऊपर सिलाई वाला नहीं बनाते तो दूसरी सिलाई हमें एक और लगानी होती है, जो मैं रिपीट सिलाई लगा लेता हूँ। दोस्तों बाजू लगाने के बाद में दूसरी बाजू भी हम इसी हिसाब से लगाएंगे, ये परफेक्ट बाजू साफ सुथरी बाजू लग चुकी है। अब दोस्तों हम साइड सिलाई मार लेते हैं। दोस्तों साइड सिलाई नीचे से शुरू करते समय मजबूती के साथ में शुरू करना है। दोस्तों इसी हिसाब से हम दूसरी बाजू भी बनाएंगे और साइड सिलाई लगाएंगे।